फ्रेंड्स वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए, इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। रोमन भूगोलवेत्ता यूनानी साम्राज्य के पतन के पश्चात राजनीतिक सत्ता पर रोमवासियों का अधिकार हो गया था। रोमन शासन का प्रमुख केंद्र इटली में टाइबर नदी के तट पर स्थित रोम नगर था, जहां से रोम सभ्यता का विकास हुआ। रोमन कालीन प्रमुख भूगोलवेत्ता यूनान, मिस्र तथा टर्की के मूल निवासी थे, जो समकालीन रोमन शासन नीति से प्रभावित थे। रोमन भूगोलवेत्ता मूलतः पूर्ववर्ती यूनानी विद्वानों के कार्यों और उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनके अनेक कार्य यूनानी दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित थे। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने ऐतिहासिक भूगोल, गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्ट्रैबो, रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो का अति महत्वपूर्ण स्थान है। स्ट्रैबो का जन्म काला सागर के तट से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर टर्की के भीतरी भाग में स्थित अमासिया नगर में हुआ था, जहां यूनानियों की संख्या बहुत अधिक थी। 29 ईसा पूर्व में वे रोम गए और वहां कई वर्षों तक रहे। उन्होंने नील नदी से इथोपिया तक की यात्राएं की। स्ट्रैबो ने महत्वपूर्ण लेखन कार्य अलेक्जेंड्रिया में रहने के पश्चात किया और अपनी पुस्तक यूनानी भाषा में लिखी। स्ट्रैबो ने ज्ञात संसार के वर्णन को 17 खंडों में भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया था, जिसका नाम ज्योग्राफिया रखा। स्ट्रैबो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल की चारों प्रमुख शाखाओं गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल को एक साथ समाहित करके एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की। स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक भूगोलवेत्ताओं के लिए नहीं बल्कि राजनीतिज्ञों, राजनेताओं और सामान्य पाठकों के लिए लिखा था। यही कारण है कि इस ग्रंथ में प्रत्येक देश के सामान्य भौगोलिक विशेषताओं, भौगोलिक आकार और धरातलीय बनावट, प्राकृतिक उत्पादनों के साथ वहां की सांस्कृतिक भिन्नताओं, शासन प्रणालियों तथा रीति रिवाज का भी वर्णन किया गया है। स्ट्रैबो के ज्योग्राफिया नामक विश्वकोश की 17 खंडों की विषय सामग्री इस प्रकार है। प्रथम दो खंडों में विषय की प्रस्तावना दी गई है, जिसमें पुस्तक के लक्ष्य, उद्देश्य तथा मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। इसमें लेखक ने इरेटोस्थनीज तथा पूर्ववर्ती विद्वानों के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा की है। तीसरे खंड में पश्चिमी यूरोप, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन का भौगोलिक वर्णन है। चौथे खंड में फ्रांस, ब्रिटेन और आल्पस पर्वत का वर्णन है। पांचवें और छठे खंडों में इटली और सिसिली का वर्णन किया गया है। सातवें खंड में स्ट्रैबो ने राइन नदी के पूर्वी भाग और डेन्यूब नदी के उत्तर में स्थित देशों का संक्षिप्त वर्णन किया है। आठवें, नवें और दसवें खंड में यूनान तथा समीपवर्ती देशों का भौगोलिक वर्णन किया गया है। स्ट्रैबो ने 11वें खंड से लेकर 16वें खंड तक एशिया के देशों का वर्णन किया गया है। अंतिम अर्थात 17वें खंड में अफ्रीका का वर्णन है और इसके लगभग 2/3 भाग में मिस्र के भूगोल का वर्णन किया गया है। स्ट्रैबो ने भूगोल का उद्देश्य बताते हुए ज्योग्राफिया की पहली पुस्तक में लिखा है कि भूगोल का उद्देश्य केवल सामाजिक जीवन और प्रशासनिक कार्यों की सहायता देना ही नहीं, बल्कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस संसार का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीवों, वनस्पतियों, फलों एवं पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जाने वाली अन्य वस्तुओं का ज्ञान उपलब्ध कराना है। प्राचीन यूनानी तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो ही अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल की कई शाखाओं, ऐतिहासिक, भौतिक, राजनीतिक, प्रादेशिक इत्यादि का सार्थक वर्णन किया था। उन्होंने भूमध्य सागर में स्थित माउंट विसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोटों का आंखों देखा वर्णन किया है
और विसुवियस को एक जलते हुए पर्वत के रूप में प्रदर्शित किया है। स्ट्रैबो का सर्वाधिक योगदान प्रादेशिक भूगोल में माना जाता है। उन्होंने अपनी विभिन्न पुस्तकों में अलग-अलग प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन किया है। उन्होंने इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, उत्तरी एवं पूर्वी यूरोप, फारस, मेसोपोटामिया, भारत, अरब देशों का भौगोलिक वर्णन किया है। पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला दक्षिणी स्पेन के निवासी और रोमन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। पोम्पोनियस मेला ने पहले भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों की यात्रा की, बाद में इटली, यूनान, स्पेन, फ्रांस, सीरिया आदि देशों की अनेक यात्राएं की। पोम्पोनियस मेला ने स्पेनिश भाषा में छोटी बड़ी कई पुस्तकों को लिखा, जिसमें निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ब्रह्मांड विज्ञान। पोम्पोनियस मेला ने अपने कॉस्मोग्राफी नामक पुस्तक में ब्रह्मांड के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में स्थित बताया है। डिकोरोग्राफिया। इस पुस्तक में पृथ्वी को पांच बृहत कटिबंधों में विभक्त किया गया है। उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध तथा दक्षिणी शीत कटिबंध। इस पुस्तक में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का भौगोलिक वर्णन किया गया है। इसमें पोम्पोनियस मेला की भौगोलिक यात्राओं का भी वर्णन मिलता है। स्काइलैक्स। इसमें भूमंडल के विभिन्न प्रदेशों का संक्षिप्त भौगोलिक वर्णन है। इसमें पोम्पोनियस मेला ने पृथ्वी के दो ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बताया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि पृथ्वी को पांच वृहद कटिबंधों में से केवल दो कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में ही मानव निवास के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। प्लिनी। प्लिनी का जन्म उत्तरी इटली के विकोना नामक स्थान पर हुआ था। प्लिनी ने कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नीरो तथा टाइटस के शासनकाल में कई उच्च पदों पर कार्य किया था। प्लिनी ने पृथ्वी के पिंडाकार स्वरूप को स्वीकार किया था और बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्राकृतिक इतिहास है, जिसके 37 खंड हैं। प्रकाशित इस पुस्तक के प्रारंभिक दो खंडों में आकाशीय पिंडों और पृथ्वी के आकार, स्वरूप, धरातल और मौसम आदि का वर्णन है। तीसरे से छठे खंड तक विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन किया गया है। सातवें से ग्यारहवें खंड तक मानव शास्त्र और जीव विज्ञान संबंधी विवरण मिलता है। शेष खंडों में वनस्पति विज्ञान संबंधी तथ्यों का विवरण दिया गया है। जर्मनी में युद्धों का इतिहास। 20 खंडों में प्रकाशित इस पुस्तक में जर्मनी के युद्धों का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। स्वकालीन इतिहास। साहित्यिक ढंग से लिखा गया यह ग्रंथ 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। मौसम विज्ञान। प्राकृतिक इतिहास के बाद यह प्लीनी का दूसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ है, जिसमें भौतिक भूगोल और जलवायु विज्ञान के तथ्यों का वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न मौसमी दशाओं की उत्पत्ति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि का तथ्यपूर्ण वर्णन किया गया है। टॉलमी। टॉलमी का पूरा नाम क्लॉडियस टॉलमी है। टॉलमी के जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि टॉलमी का जन्म यूनान के टालेमेस हार्मी नामक नगर में हुआ था, तो कुछ का विश्वास है कि उनका जन्म अलेक्जेंड्रिया के निकट टॉलमी नामक ग्राम में हुआ था। टॉलमी एक महान खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्माजेस्ट की रचना की थी। प्रेक्षण, अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टॉलमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन काल के समस्त यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में टॉलमी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। टॉलमी के कार्यों का संकलन अल्माजेस्ट नामक पुस्तक में किया गया है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। टॉलमी की अन्य प्रमुख पुस्तकों में ज्योग्राफिया,
ग्रहीय परिकल्पना और एनेलिमा है। टॉलमी ने खगोलिकी के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए कई प्रकार के यंत्रों द्वारा प्रेक्षण और अन्वेषण कार्य भी किया था। उनका विश्वास था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलमी ने नक्षत्रों का वेध करके 1022 नक्षत्रों की सूची तैयार की थी। गणितीय भूगोल में टॉलमी का मुख्य कार्य प्रक्षेपों की रचना से संबंधित था। उन्होंने मानचित्र कला के अध्ययन को भूगोल का प्रमुख पक्ष स्वीकार किया था। टॉलमी हिप्पार्कस के निष्ठावान अनुयायी थे, जिनका दृढ़ मत था कि पृथ्वी के सभी महत्वपूर्ण स्थानों के अक्षांश और देशांतर का सही निर्धारण करके ही विश्व का सही मानचित्र बनाया जा सकता है। किंतु ऐसे प्रक्षेपों की संख्या कम होने के कारण टॉलमी को यात्रियों और नाविकों द्वारा निर्धारित दूरियों पर आश्रित होना पड़ा, जिसके कारण मानचित्र में अशुद्धि आना स्वाभाविक था। जियोग्राफिया नामक ग्रंथमाला के अंतर्गत टॉलमी ने कुल 8 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित थी। प्रथम पुस्तक सैद्धांतिक नियमों से संबंधित है, जिसमें ग्लोब की रचना और मानचित्र प्रक्षेप की रचना विधि का वर्णन किया गया है। टॉलमी ने विश्व मानचित्र के लिए निर्मित प्रक्षेप में भूमध्य रेखा तथा अन्य अक्षांश रेखाओं को समानांतर वक्रों द्वारा भूमध्य रेखा पर समकोण पर काटते हुए दिखाया था। देशांतर रेखाओं की सीधी रेखा द्वारा मानचित्र की सीमा से बाहर स्थित ध्रुवों पर मिलती हुई दिखाया गया था, जो वास्तविकता के अधिक समीप है। टॉलमी ने अपने विश्व मानचित्र के लिए हिप्पार्कस के विचार को आधार बनाया था, जिसने भूमध्य रेखा को 360 अंशों में विभाजित किया था। टॉलमी की ग्रंथमाला जियोग्राफिया में एक विश्व मानचित्र के अतिरिक्त 26 अन्य मानचित्र भी सम्मिलित हैं। टॉलमी ने विश्व मानचित्र की रचना के लिए संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया था, किंतु ज्ञात संसार को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र को 180 अंश देशांतरों का बनाया गया था। प्रधान मध्यान रेखा काल्पनिक कनारी द्वीपों के पास से गुजरती दिखाई गई थी। टॉलमी ने 2 नए प्रक्षेपों की रचना विधि का भी विवेचन किया है। इसमें एक लंब कोणीय प्रक्षेप है, जिसके 3 तलों के आधार पर 3 प्रकार से बनाया जा सकता है, क्षैतिज तल पर, याम्योत्तरीय तल पर और ऊर्ध्वाधार तल पर। इनका दूसरा प्रक्षेप त्रिविम प्रक्षेप है, जिसे दक्षिणी ध्रुव को केंद्र मानकर बनाया गया था। टॉलमी की 8 खंडों वाली पुस्तक ग्रंथमाला जियोग्राफिया मुख्यतः सामान्य भूगोल से संबंधित है और भूगोल के विविध पक्षों पर प्रकाश डालती है। इसमें सामान्य सैद्धांतिक नियमों, स्थानों की स्थितियों, मानचित्र कला की विधियों आदि का वर्णन किया गया है। उन्होंने जियोग्राफिया के द्वितीय खंड में यूरोप के फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन, मध्य यूरोप आदि प्रदेशों की विभिन्न प्रादेशिक विशेषताओं का भौगोलिक वर्णन किया है। उन्होंने एशिया के भारत, चीन, पश्चिमी और मध्य एशिया की भौगोलिक विविधताओं का भी वर्णन किया है। टॉलमी ने अफ्रीका के केवल उत्तरी भाग और नील नदी के विषय में ही लिखा है।